एलपीएल यानी लंका प्रीमियर लीग के फोर्थ मैच की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सेशन जो है अब हो चुका है, निपट चुका है, मैच जो हो गया था वो बुक ही, क्योंकि आप देखोगे तो अब देखो ये जो है ना ओपनिंग रेट है सेशन का, और ये आप देखोगे तो ये जो है पास हुआ है, तो आप इसे कह सकते हो कि कहीं भी जो है ना जो सेशन ओपन हुआ उसे ऊपर नहीं गया है, ना ही जो है उसे पास हुआ, तो ये सेशन सारे जो है वो नॉट हुए हैं। और देखोगे तो जो हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ पर दो लिमिट, यहाँ पर जो है एक रन से रह गया सेशन, और यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है देखने को मिला कि पास हो गया था, और ये वाला जो हमने नॉट के इंतजार करते रह गए जो है सेशन क्या हो गया, स्किप हो गया। तो अब देखोगे तो अब ये किस तरीके से जो है करना था, तो जो लास्ट के शुरुआत के जो दो मैचेस थे वो काफ़ी अच्छे स्कोरिंग मैचेस थे, तो वहाँ पे सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो यस जा रहा था या फिर बैलेंस जो है मिल रहा था। बीच का जो मैच आया ना जो इसके पहले के मैचेस था उसमें भी जो है ना गैप थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन इस वाले मैच में ना बिल्कुल जो है वो गैप आपको नहीं देखने को मिला। गैप इन द सेंस कि जैसे मान लो इतना ओपन होता है और जो है ऊपर जाए, केवल 6 ओवर में जो आप देखोगे तो यहाँ पे 40 के नीचे भी आया था ये सेशन और 50 के ऊपर भी गया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिल गया, यहाँ पर मैनेज हो गया। लेकिन उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पे जो ये 72 71 72 था ना, ये लेटेस्ट जो गया था ना वो 67 68 तक गया था, और हाईएस्ट जो है वो 73 74 तक गया था, उससे ऊपर उठा ही नहीं ये सेशन, ना ही जो है उसे नीचे गिरा, ताकि जो है वो ऐसा जब भी सेशन होता है ना तो आप मान लेना कि ये वाला सेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, कि अगर मान लिया आपने यस किया है तो 4 5 10 रन तक जो है वो गैप अप बनाते हो तो वो यस हो जाता है आराम से, अगर उतना नॉट किया हो तो अगर 2 4 रन से कम भी नॉट होता है तो अब 2 4 रन में जो है आप बहुत ज़्यादा ब्रैकेट नहीं बना सकते, ना ही गैप कर सकते हो और ना ही आप कुछ कर सकते हो। जहाँ पर सेशन रुक जाता है ना तो आप उसको ये समझ लेना कि वो वाला मैसेज ना या तो वो बुकिंग मैसेज होगा या बहुत ही ज़्यादा हाई एसओरी मैसेज होगा। और इस मैच में आपने ये चीज़ें जो है नोटिस किया होगा कि यहाँ पे सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से रुक गया था कुछ टाइम के लिए, वही अपन इस वाले सेशन में देखोगे ना तो इस वाले सेशन में जो है रूप में जो है वो सेशन रुका हुआ था, और उसके बाद से जब देखोगे 2 ओवर पास हो गया ना तो 2 ओवर के बाद से जो है सेशन एकदम से नीचे गिर गया, वो जो है 97 तक के आसपास जो है चला गया था, 96 97 चला गया था, और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इवन 100 भी जो है वो नहीं पार होगा, लेकिन लास्ट ओवर में सेशन जाकर जो है पास हुआ, 103 जो है वो आया। यही इसी तरह आप देखोगे जो लंबी खुला था तो लंबी में जो है ना जो यहाँ पे हाईएस्ट जो है ना महसूस कर रहा था कि 60 तक हाईएस्ट लगाता है तो एक नॉट करवा देंगे, लेकिन 60 तक जो है ये मार्केट में जो है वो गया ही नहीं, रेट मार्केट क्या हुआ डायरेक्ट जो है नीचे गिरते रहा। तो जब भी ऐसे नीचे गिरते रहा था तो आप उसमें जो है ना यस करने का जो है मौका खोजते हो, तो थोड़ा सा जो है वो आप रिग्रेट कर सकते हो यस के बजाय, क्योंकि जब भी मार्केट रेट जो है नीचे 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 चला जाता है ना सेशन का, तो वैसे सीनरी में क्या होता है कि सेशन जो है वो थोड़ा सा रिस्की बनते चला जाता है, तो इस चीज़ का जो है आने वाले मैसेज में आप यूटिलाइज कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, और जिस तरीके से मैं सेशन खिलाता हूँ उसका प्रॉफिट जो है आप इस व्हाट्सअप नंबर पे उठा सकते हो, और साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आप जाकर चेक कर सकते हो कि वहाँ पे मुझे ये सारे सेशन मैंने दिए थे, और जब लास्ट सेशन का वीडियो बना रहा था तो भी जो है बता रहा था तो वहाँ पर मैंने सेशन ये दे दिए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप अगर देखना चाहते हो टेलीग्राम पे और आपको जो है इंस्टाग्राम पे मिल जाता है तो आप वहाँ पे जो है जाकर जुड़ सकते हो, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब के लिए धन्यवाद।